महादेवा नमा। मैं महादेव संस्कृतम प्रयागराज से अनुज कुमार मिश्र बोल रहा हूँ। हम आपके सामने यूजीसी इकाई 7 विषय कोड 25 पर बात कर रहे हैं। तो हम लोगों ने इकाई 7 में यदि देखें तो कुछ पश्चात काव्यशास्त्र जिसमें अरस्तु, लॉन्जाइनस और क्रोचे हैं। हम लोगों ने अरस्तु पर चर्चा कर ली थी, आज लॉन्जाइनस पश्चात काव्यशास्त्री पर चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं लॉन्जाइनस की तरफ। लॉन्जाइनस 25 कोड सब्जेक्ट कोड 25 जो यूजीसी नेट संस्कृत विषय में निर्धारित है उनका सामान्य परिचय देखेंगे। तो आइए चलते हैं लॉन्जाइनस की तरफ। अरस्तु के बाद यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक एवं काव्यशास्त्री थे लॉन्जाइनस। इनका जन्म प्रथम शताब्दी से तृतीयांध शताब्दी के मध्य हुआ था। इनका यूनानी नाम लोंगुनस था और अंग्रेजी नाम लॉन्जाइनस था। इनकी प्रमुख रचना में पेरिप्सुप जिसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद ऑन द सबलाइन किया, इस ग्रंथ को उदात्त की संज्ञा दी जाती है। लॉन्जाइनस पश्चिम यूनानी भाषा का पहला पूर्ण आलोचक था। लॉन्जाइनस पश्चिम यूनानी भाषा का पहला पूर्ण आलोचक था। लॉन्जाइनस ने काव्य को श्रेष्ठ बनाने वाले तत्वों पर विचार करते हुए इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है कि वे उदात्त की को श्रेष्ठ बनाने वाले तथा कवि को प्रतिष्ठा दिलाने वाला तत्व मानते हैं। उदात्त सिद्धांत द्वारा उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि कोई भी कलाकृति या काव्यकृति बिना उदात्त तत्व के श्रेष्ठ रचना नहीं हो सकती। उदात्त भाषा के 5 प्रमुख स्रोत हैं। लॉन्जाइनस इनको अनिवार्य तथा महत्वपूर्ण मानते हैं। इनके मुख्यतः 2 भाग हैं जो जन्मजात और अंतरंग पक्ष के 2 हैं तथा कला पक्ष बहिरंग पक्ष के 2 हैं। तो अंतरंग पक्ष जन्मजात के 2 अनिवार्य वो है, नंबर 1 महान विचार तथा धारणा, दूसरा भावावेश की तीव्रता, और कला पक्ष के अलंकार, भाषा, गरिमामय रचना विधान। लॉन्जाइनस ने अपने पेरिप्सुप नामक ग्रंथ में उदात्त सिद्धांत के लिए द सबलाइन शब्द का प्रयोग किया जिसका अर्थ है ऊंचाई पर ले जाना या ऊपर उठना। इसे ही लॉन्जाइनस काव्य की आत्मा मानते हैं। वे कहते हैं कि इसी के कारण हमें आनंद की प्राप्ति होती है। लॉन्जाइनस बताते हैं कि साहित्य पाठकों या श्रोताओं को आवेग पूर्ण अनुभूति की नवीन ऊंचाई तक जिन गुणों के कारण ले जाता है वही उनके प्राण तत्व है। साहित्य का यह उदात्त गुण अन्य सभी गुणों से महान है। लॉन्जाइनस के कहते हैं कि उदात्त अभिव्यंजना के वैशिष्ट और उत्कर्ष का नाम है और यही एकमात्र ऐसा आधार है जिसका सहारा लेकर महान कवियों एवं लेखकों ने गौरव और यश से अमर हो गए। लॉन्जाइनस अंग्रेजी या ग्रीक नाम परंपरागत रूप से काव्य में उदात्त तत्व ऑन द सबलाइम नामक कृति का रचनाकार माना जाता है। इस कृति में अच्छे लेखन के प्रभावों की चर्चा है। लॉन्जाइनस का असली नाम ज्ञात नहीं है। वे यूनानी काव्य आलोचक या शिक्षक थे। ये काव्य की श्रेष्ठ बनाने वाला तत्व मानते हैं या महान विचारों, संगठित अलंकारों, योजना, अभिजात्य पद रचना और प्रभाव की गरिमा में निहित है। वे बाह्य वाडंबर, बाल्यता और वाडंबर को उदारता में बाधक तत्व मानते हैं। प्लेटो ने अनुकरण को साहित्य का मूल तत्व माना है। उनका पल्लवन अरस्तु ने अपनी दृष्टि से किया और विवेचन की साहित्य का उद्देश्य स्वीकार किया। इसी प्रकार लॉन्जाइनस का उदात्त सिद्धांत है। इस सिद्धांत के द्वारा उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि कोई भी कलाकृति या काव्यकृति बिना उदात्त तत्व के श्रेष्ठ रचनाएं नहीं हो सकती। श्रेष्ठ वही है जिसमें रचयिता का गहन चिंतन और अनुभूति रहती है। रचनाकार का भव्यता या गरिमा के कारण रचना की महान बनाता है। इसी प्रकार लॉन्जाइनस का उदात्त सिद्धांत यह बताता है कि रचना या कृति शिल्प के द्वारा अभिव्यक्त पाती है।
रचना या कृति शिल्प के द्वारा अभिव्यक्त पाती है, किंतु उदात्त रचना का लेखन अपनी रचना में शिल्प के सौंदर्य की अधिक चिंता न करके उसमें निहित अनुभूति को ही सबल बनाने का प्रयत्न करता है। लोंजाइनस ने उदात्त का स्वरूप स्पष्ट करते हुए कहा है कि सबलिमेट्री इज द सर्टेन डिस्ट्रेक्शन एंड द एक्सीलेंस इन एक्सप्रेशन, अर्थात अभिव्यक्ति की विशिष्टता और श्रेष्ठता का नाम उदात्त है। इसी को लक्ष्य करके हिंदी आलोचकों ने यह स्वीकार किया है कि किसी रचना में उदात्त उपयुक्त तथा गरिमामय गरिमापूर्ण शब्द विधान आवेग को दीप्त करने वाली रचना योजना तथा रचना विधान द्वारा अभिव्यक्त होती है। लोंजाइनस ने काव्य के उदात्त को वक्रता से एकदम भिन्न माना है, क्योंकि काव्य में श्रोताओं पर उदात्त का प्रभाव तन्मयता के रूप में होता है, परिवर्तन के रूप में नहीं। इस कारण लोंजाइनस की दृष्टि में भव्य कविता वही है जो आनंदातिरेक के कारण हमें इतना निमग्न और तन्मय कर दे कि हम ऐसी उच्च भाव भूमि पर पहुँचे जहाँ वर्ण विषय विद्युत प्रभाव भ्रांति आलोकित हो उठता है। इस दृष्टि से लोंजाइनस को आनंदातिरेक और विश्वनाथ जय विगलित विद्यांतर में बहुत कुछ सामने देखा जा सकता है। उदात्त के स्वरूप के अंतर्गत लोंजाइनस ने मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों को अपने साथ रखा। इसी में उन्होंने एक और उदात्त के आंतरिक तत्वों का उल्लेख किया और दूसरी ओर उसके बाह्य पक्ष की भी विवेचना की है। उदात्त का मूल क्या है, क्या वह वक्ता या लेखक की जन्मजात प्रतिभा पर आधारित होता है, या उसका प्रस्फुटन शिक्षा दीक्षा से विचार किया जा सकता है, या अभ्यास पर निर्भर है। इन प्रश्नों पर विचार करते हुए लोंजाइनस ने मध्य मार्ग का अनुकरण किया। उनके विचार से उदात्त न तो सर्वथा प्रतिभा सापेक्ष और न पूर्णतः अभ्यास सापेक्ष, वस्तुतः उदात्त का आधार व्यक्ति का कोई एक पक्ष एक गुण या प्रवृत्ति नहीं है, अपितु उसके पीछे संपूर्ण व्यक्तित्व की झलक होती है। अतः उदात्त का सृष्टा उदात्त अभिव्यक्ति ही हो सकता है। महान प्रतिभाशाली एवं यशस्वी चरित्रवान व्यक्ति ही उदात्त या उद्घोषक हो सकता है। लोंजाइनस के अनुसार उदात्त आत्मा की महानता का प्रतिबिंब है। सच्चा उदात्त केवल उन्हीं में प्राप्य है जिनकी चेतना उदात्त एवं विकासोन्मुख है। यह सर्वथा स्वाभाविक है कि जिनके मस्तिष्क उदात्त धारणाओं से परिपूर्ण हैं उन्हीं की वाणी में उदात्त शब्द झंकृत हो सकते हैं। इस प्रकार उदात्त का संबंध प्रतिभा अध्ययन और भाषा के अध्ययन अपितु व्यक्ति के समूचे व्यक्तित्व से है। उदात्त अभिव्यंजना का प्रकर्ष और वैशिष्ट है। उदात्त का कार्य अनुनय नहीं अपितु सम्मोहन है। उदात्त सर्जनात्मक या रचनात्मक कौशल से भिन्न तत्व है। उसका चमक या प्रभाव क्रमिक नहीं आकस्मिक होता है और उसके अलौकिक आलोक से कथा चमक उठती है। यद्यपि उदात्त के मूलाधार साहित्यकार के व्यक्तित्व की महानता में निहित है, फिर भी रचना में उदात्त का तत्व लाने में लोंजाइनस ने 5 स्रोतों का चर्चा की, जिसमें 2 जन्मजात थे और 2 कलापक्ष थे। तो जन्मजात में पहला था महान धारणाओं की क्षमता या विचारों की भव्यता, और दूसरा है प्रेरणा प्रसूत आवेग भाव आवेशी की तीव्रता। तीसरा कला संबंधी विशेषताओं में समुचित अलंकार योजना, उत्कृष्ट भाषा, गरिमामय रचना विधान। उदात्त के स्रोतों में प्रथम स्थान विचार की महानता का है। इसी को लोंजाइनस शब्द भेद से आत्मा की भव्यता कहा है। उनका स्पष्ट कथन है कि उदात्त महान की आत्मा की प्रतिध्वनि होता है। यदि आत्मा की महत्ता नैसर्गिक न हो तो उत्कृष्ट विचार द्वारा इसे प्राप्त किया जा सकता है। महान शब्द इन्हीं के मुख से निकलते हैं जिसमें उच्चार गंभीर हो, गहन हो। महान विचारों से संपन्न आत्मोत्थान युक्त साहित्यकार ही उदात्त सृजन कर सकता है। लोंजाइनस की यह ऐसी अवधारणा है जिसमें उनके उदात्त प्रभाव संबंधी धारणा भी जुड़ी हुई है।
उदात्त का प्रभाव आत्मातिक्रमण होता है, अनुनयन नहीं। यह धारणा इस बात को विशेषीकृत करती है कि आत्मातिक्रमण भव्य और महान विचारों की गरिमामय अभिव्यक्ति से ही संभव है। वास्तव में वस्तुतः आत्मिक महानता उदात्त सृजना की पहले शर्त है। इसलिए उदात्त का प्रभाव और ट्रांसपोर्ट भी नैतिक रूप से कल्याणकारी माना जाता है। इस प्रकार उदात्त साहित्य का प्रभाव नैतिक तथा कलात्मक दोनों ही दृष्टि से उत्तम माना जाता है। साहित्य इस दृष्टि से लोहनजाइनस और महाकवि मिल्टन एक ही स्तर पर उतरते हैं। मिल्टन के अनुसार महान साहित्यकार बनने के लिए महान और असामान्य वस्तुओं का अनुकरण करना चाहिए। मिल्टन का कहते हैं कि मनुष्यों को यह भव्य वाणी सहज ही प्राप्त हो जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रतिभाशाली कभी अपने जीवन के संध्या काल में अस्त होते हुए सूर्य की तरह ठंडा हो जाता है और उसके परवर्ती काव्य में उदात्त की भूमि दिखाई देने लगती है। ओदिसी उत्सु अस्सेइया में होमर की इसी अस्ताचलगामी प्रतिभा के दर्शन होते हैं। लोनजाइनस कहते हैं कि इलियट होमर की तरुणाई की रचना है क्योंकि उसमें गति संघर्ष का प्राचुर्य है। इसके विपरीत ओडिसी का बहुलांश आख्यानात्मक है जो बुढ़ापे की देन है। हिंदी में मैथिली शरणगुप्त के विष्णुप्रिय और रत्नावली इसी प्रकार के काव्य हैं जिनमें उनका प्रतिभा का अपकर्ष देखा जा सकता है। पंत और बच्चन का परवर्ती काव्य भी इसका उदाहरण है। लोनजाइनस का उदात्त सिद्धांत पश्चात समीक्षा की देन है। उसका उदात्त जीवन की अर्जित पक्ष की अभिव्यक्ति है। मधुर पक्ष के लिए उसमें कोई स्थान नहीं। अतः जीवन के आधे पक्ष का विवेचन करने के कारण उनका शास्त्र अधूरा है। भारतीय काव्यशास्त्र की पूर्णता उसमें कहाँ है जिसमें उसके साथ माधुर्य गुण भी है। एक ओर वीर और अद्भुत रस है तो दूसरी ओर श्रृंगार और हास्यरस है। वह संपूर्ण मानव की कृति है। लोनजाइनस की अवधारणा में इस एकांगिकता का कारण है कि उसने अपने ग्रंथ की रचना भाषण शास्त्र के रूप में की थी, काव्यशास्त्र के रूप में नहीं। इसलिए सफल भाषण के लिए महत्वपूर्ण तत्वों का ही विवेचन इसमें मिलता है। लोनजाइनस पालमारा की महारानी लोनोविया का मंत्री माना जाता है। इनकी पुस्तक पेरिप्सुप ऑन द सब्लाइम का केवल दो तिहाई भाग ही उपलब्ध है। इसमें उन्होंने दो भागों में अपने सिद्धांत को स्पष्ट किया। प्रथम भाग उदात्त शैली का विवेचन और द्वितीय भाग कला के आधारभूत तत्वों का प्रकाश डाला है। लोनजाइनस के अनुसार किसी भी रचना के दो पक्ष हैं। एक पहला अनुभूति पक्ष है, दूसरा अभिव्यक्ति पक्ष है। उन्होंने आनंदानुभूति को ही कला की शक्तिमान माना है, उपदेशात्मकता को नहीं। लोनजाइनस यूनान का अंतिम काव्यशास्त्री एवं सौंदर्य शास्त्र का महान चिंतक था। हम लोगों ने लोनजाइनस का सामान्य परिचय पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो पश्चात काव्यशास्त्री क्रोचे हैं उनका हम लोग सामान्य परिचय पढ़ेंगे। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे महादेव संस्कृत चैनल पर सर्च करते रहिए। जल्दी ही हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्रोचे के साथ। तब तक के लिए महादेवाय नमः। नमः संस्कृताय। शुभ संध्या, शुभ रात्रि, शुभ प्रभातम्। जय श्री अकाल।